चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस चैप्टर को अगर हम लोग मारना चाहे नीट के हिसाब से तो हम चाहेंगे आप लोग लिख लीजिए कितना कितना क्वेश्चन किस किस टॉपिक से आता है। इंट्रोडक्शन और डिजीज से दो क्वेश्चन का स्कोप बनता है, इंट्रोडक्शन और डिजीज से दो क्वेश्चन का स्कोप बनता है नीट में। उसके बाद इम्यूनिटी एक सबहेडिंग है, वहां से भी दो क्वेश्चन का उम्मीद बनता है। फिर एड्स और कैंसर मिलाकर दो क्वेश्चन का उम्मीद बनता है। ठीक है, एड्स और कैंसर से दो क्वेश्चन, इम्यूनिटी, इंट्रोडक्शन और डिजीज से दो क्वेश्चन, इम्यूनिटी से दो क्वेश्चन, एड्स और कैंसर मिलाकर दो क्वेश्चन, और ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज इससे इन दोनों को मिलाकर या इस टॉपिक से एक से दो क्वेश्चन का एरिया बनता है। मतलब इस चैप्टर से छह क्वेश्चन तक आ सकता है, आता है। ठीक है, चलिए लिखना शुरू कीजिए। सबसे पहले लिखना शुरू कीजिए, पहला एंड वाली हेल्थ। हेल्थ क्या है? स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल सोशल एंड मेंटल वेलबींग, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल सोशल एंड मेंटल वेलबींग, हर तरीके से ठीक होना जरूरी है। दो टर्म आता है, एक होता है हेल्दी और एक होता है डिजीज फ्री, और दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आप बोल रहे हो किसी ऑर्गेनिज्म को कि हेल्दी है, वो हेल्दी यानी उसके बॉडी में किसी भी ऑर्गेनिज्म का कोई इंफेक्शन नहीं है, उसके अलावा उसका मेंटल स्टेट भी ठीक है और वो सोशल भी है। मतलब एक ऐसा आदमी जिसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, दिमाग से भी ठीक ठाक है, बट फिर भी वो कम बोलता है, ज्यादा लोगों से नहीं मिलता, उसको भी हेल्दी नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे डिजीज फ्री। तो डिजीज फ्री यानी कोई बीमारी नहीं है, बट हेल्थ मीन्स फिजिकली भी फिट, मेंटली भी फिट और सोशली भी फिट। सोशल आपने तो पता है कि अगर आप लोगों से मिल रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, आपका सोशल होने का मतलब होता है लोगों के साथ घुलना मिलना, ये भी जरूरी है। अगर ये भी नहीं है तो आप हेल्दी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, डिजीज फ्री पर्सन लैकिंग एनी डिजीज, अ पर्सन लैकिंग एनी डिजीज इन इट्स बॉडी, पर्सन लैकिंग एनी डिजीज इन इट्स बॉडी इज नोन एज डिजीज फ्री पर्सन, अ पर्सन लैकिंग एनी डिजीज इज नोन एज डिजीज फ्री पर्सन। ठीक है, अब जरा समझते हैं डिजीज क्या होता है। डिजीज देखिए, माल फंक्शनिंग, हमारे बॉडी में कोई भी चीज, डिजीज का मतलब ये नहीं होता कि कोई इंफेक्शन आपको हो जाए, किसी भी तरीके से अगर आपका बॉडी में माल फंक्शनिंग हो रहा है तो वो डिजीज है। ठीक, लिखिएगा माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट और बॉडी डिजीज गई, माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट और बॉडी, माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट और बॉडी विथ स्पेसिफिक सिम्टम, विथ स्पेसिफिक सिम्टम इज कॉल्ड डिजीज। क्या नहीं लिख पा रहे, फास्ट प्रोसेस हो जाएगा। माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट और बॉडी विथ स्पेसिफिक सिम्टम, पेन थोड़ा ऊपर पकड़ो सर, थोड़ा ऊपर पकड़ो, हाँ, विथ स्पेसिफिक सिम्टम बॉडी पार्ट ऑफ बॉडी और बॉडी विथ स्पेसिफिक सिम्टम इज कॉल्ड डिजीज।
इज कॉल्ड डिजीज। हो गया। नेक्स्ट देखिए पैथोजन, किसको बोलते हैं पैथोजन आप लोग बताइए। पैथोजन लिखिए, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड पैथोजन। डिजीज कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड पैथोजन। हो गया। पैथोजन हर उस चीज को बोलते हैं जो बीमारी कॉज करता है, और ये जरूरी नहीं है कि बीमारी कॉज करने वाला एजेंट जिंदा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मे बी कोई डेड चीज भी आपके बॉडी में डिजीज कॉज कर सकता है, कैसे वो भी देखेंगे। लेकिन इट इज ऑफ मेनी टाइप्स, इट इज ऑफ मेनी टाइप्स। फर्स्ट बायोलॉजिकल एजेंट, पेन ऊपर पकड़ो तो भेज हो जाए, पेन ऊपर पकड़ो बस होगा, हल्का और इसे कर लो बस, ऊपर पेन पकड़ने से हाथ तेजी में चलता, फ्री रखो कलाई को, फ्री रखो, ताकत से नहीं पकड़ना है, धीरे पकड़ना है, वो फ्रीली फ्लो करेगा। बायोलॉजिकल एजेंट एग्जाम्पल जैसे बैक्टीरिया हो गया, जैसे फंगस हो गया, जैसे पैरासाइट या प्रोटोजोआ हो गया, ठीक है। तो ये सब बायोलॉजिकल एजेंट है जो आपके बॉडी में इंटर करेगा और आपको इन्फेक्ट करके आपके अंदर बीमारी कॉज करेगा, और चूंकि ये बायोलॉजिकल एजेंट आपको इन्फेक्ट करके आपके बॉडी में बीमारी कॉज करेगा, इसीलिए इसको बोलेंगे पैथोजन। नेक्स्ट लिखिए न्यूट्रिएंट एजेंट या न्यूट्रिशनल एजेंट। न्यूट्रिशनल एजेंट लिखिए, दे बिकम पैथोजन व्हेन दे आर इन एक्सेस। They become pathogen when they are in excess, when they are in excess or low amount. Example के carbohydrate, protein, fat, vitamin, समझ में आना चाहिए। Body में blood sugar level बढ़ गया तो भी बीमारी, कम हो गया तो भी बीमारी, है ना। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हो गया, समझ रहे हो इसको भी। न्यूट्रिशनल एजेंट भी कैसे बीमारी कॉज कर सकता है। नेक्स्ट देखिए केमिकल एजेंट अमीनो एसिड भी कॉज करता है। प्रोटीन क्या है, समझ रहे हो, केमिकल एजेंट। देखिए सर, दीज आर अगेन ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट एक्सोजिनस। लिखिए क्या सर, they enter our body from outside and cause disease। एग्जाम्पल में लिखी स्मोक, धुआं हमारे बॉडी में तो प्रोड्यूस नहीं होता, हमारे बॉडी में बाहर से एंटर करता है, और बाहर से इंटर करने के बावजूद हमारे बॉडी में वो डिजीज कॉज करता है। सेकेंड टाइप देखिए इंडोजिनस, केमिकल एजेंट में दूसरा टाइप इंडोजिनस। मतलब धुएं, धुआं तो समझ, और भी जो होता है और वो कैसे आएगा स्मोक में, लेकिन और सब भी एग्जांपल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, धूल हो सकता है, आता है वो गैसेस,
कुछ भी धुआं तो उसमें हो गया ना, डस्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। नेक्स्ट इंडोजिनस, देखिए प्रोड्यूस्ड इनसाइड आवर बॉडी, प्रोड्यूस्ड इनसाइड आवर बॉडी एंड कॉज डिजीज, प्रोड्यूस्ड इनसाइड आवर बॉडी एंड कॉज डिजीज। हो गया, एग्जाम्पल लिखिए, यूरिया, यूरिया या यूरिक एसिड, आपको पता होना चाहिए कि ये हमारे बॉडी में नाइट्रोजिनस वेस्ट के फॉर्म में बनता है जिसको हमारा बॉडी एक्सक्रीट आउट करता है। लेकिन अगर किसी भी कारण की वजह से ये यूरिया या यूरिक एसिड आपके बॉडी में जमा हो रहा है तो क्या होगा, वो आपके ज्वाइंट में जाएगा और यूरिक एसिड क्रिस्टल के फॉर्म में जमा होगा और वहां पर ज्वाइंट में फ्रिक्शन की वजह से इन्फ्लेमेशन होगा और पेन होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं गाउट, गठिया। ठीक है, चलिए अगला फिजिकल एजेंट, केमिकल एजेंट भी हो गया, फिजिकल एजेंट। लिखिए सर एग्जाम्पल इसी वाली को, ज्यादा इसमें डेफिनेशन की जरूरत नहीं। फिजिकल एजेंट यानी जो डेफिनेशन होगा वो बता दे रहा हूं, और वो फिजिकल चीज जो हमारे बॉडी में डिजीज कॉज कर सकता है। तो इसको क्या लिखना, सीधा एग्जांपल लिखिए, हीट, कोल्ड, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, हीट, कोल्ड, रेडिएशन, इलेक्ट्रिसिटी, साउंड, इसी कर लो, बहुत हो गया। खुद सोचो कोई चीज गर्म है तो वो भी हमारे भाप को जला सकता है, यानी इंडायरेक्टली डिजीज कॉज कर सकता है, ठंड भी कर रहा है, रेडिएशन भी कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी क्या जबरदस्त ब्रेकडाउन करवा देता है, और साउंड, साउंड भी डिजीज कॉज कर सकता है, बहुत तेज आवाज हुआ तो कान का जो मेम्ब्रेन है उसको फाड़ देगा तो वो भी डिजीज कॉज कर सकता है, इम्पेयरमेंट ला सकता है या मैलफंक्शनिंग ला सकता है बॉडी में। अगला लिखिए लास्ट, मैकेनिकल एजेंट, मैकेनिकल एजेंट। अच्छा दोनों घंटा पहले से पढ़ोगे, आज आधा इसमें निकाल देता हूं, डिजीज वाले पार्ट को पूरा चैप्टर पढ़ने, डिजीज पार्ट। मैकेनिकल एजेंट क्या, फिजिक्स में चैप्टर है, रिऑप्टिक्स, रिऑप्टिक्स सब, वो सबसे लंबा है, क्या लंबा नंबर क्या, हेलो एस नंबर लेते हैं, ले जाके इसको बहुत हो गया, एस नंबर है। चलिए मैकेनिकल एजेंट में लिखिए, फ्रैक्चर्स, इंजरीज, डिसलोकेशन, स्प्रेन, फ्रैक्चर्स, इंजरीज, डिसलोकेशन और स्प्रेन, एस पी आर ए आई एन, बताया कोई स्प्रेन क्या होता है, स्प्रेन, 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 11 में बताया होगा मोशन एंड मूवमेंट, एक्सेसिव पुलिंग ऑफ लिगामेंट, याद आ रहा है। चलिए तो फ्रैक्चर, इंजरी, डिसलोकेशन या स्प्रेन, ये सब किस में आता है, मैकेनिकल एजेंट में, और स्प्रेन, डिसलोकेशन एंड स्प्रेन, क्या डिसलोकेशन, हड्डी का खसक जाना करेगा, स्प्रेन चौथा है स्प्रेन। अब देखो मोड ऑफ एक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट क्या होता है, बायोलॉजिकल एजेंट आखिर कैसे काम करते हैं, मोड ऑफ एक्शन ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स, ये बायोलॉजिकल एजेंट दो तरीके से काम करते हैं, फर्स्ट बाय टिश्यू डैमेज, कैसे, टिश्यू को डैमेज करके,
और सेकंड बाय रिलीजिंग टॉक्सिन। बॉडी के अंदर किसी ना किसी तरीके से वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, टॉक्सिन यानी जहर, और ये टॉक्सिन हमारे बॉडी को हार्म करता है। इसको लिखिए प्रॉपर, चुपचाप देखो देखो एग्जाम बल्ली को ना अरे उसके पास व्हाट्सएप वाला फोन उसको बुला गया हो गया। अगला निकलिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन। आखिर बीमारी एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता कैसे है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन तीन तरीके से होता है। पहला डायरेक्ट, यानी जो भी पर्सन है उससे डायरेक्टली किसी और पर्सन तक पहुंच रहा बीमारी, तो उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट। सेकेंड इज थ्रू वेक्टर। किसके थ्रू? अच्छा डायरेक्ट एग्जांपल बताना। फिजिकल वर्क है, ये कोई बात बीमारी का नाम बोल रहा है, कफिंग, स्नीजिंग, एड्स में भी सेक्सुअल कॉन्टेक्ट कोई बोलोगे आप? बिल्कुल एड्स नहीं, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट बोलेंगे, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट कई बार जैसे हेपेटाइटिस है, जब किसी से भी फैलता है, हेपेटाइटिस एड्स नहीं फैलता बट हेपेटाइटिस फैलता है, तो किसिंग भी आएगा, वैसे ये कॉमन नहीं है। वेक्टर यानी मलेरिया, मान लो पर्सन ए को मलेरिया है तो पर्सन ए के कॉन्टेक्ट में आने से पर्सन बी को मलेरिया नहीं हो जाएगा। पर्सन ए में मलेरिया है, ये रहा पर्सन ए, मैंने को अपने हाथ में बोर्ड लेके सिर पे लिखवा लिया ए, और यहां है पर्सन बी, ठीक। इसको अगर मलेरिया है तो दोनों में हैंड शेकिंग से या गले मिलने से बीमारी फैलेगा क्या? नहीं, एक यहां से भिनभिनाते वो मच्छर पहुंचा, ये मच्छर, ये पहले इसको काटा, इसका ब्लड से पैरासाइट को अपने बॉडी में लिया और अब ये मच्छर खुद ही इन्फेक्ट हो चुका है, ठीक। अब ये इन्फेक्टेड मच्छर जब इसको काटेगा तो अपना इन्फेक्शन इसमें पहुंचा देगा, मतलब ये वाला बीमारी इसका वाला इस तक किसी के थ्रू पहुंचा, और जिसके थ्रू पहुंचता है उसको बोलते हैं वेक्टर। और तीसरा होता है वोमाइट्स। ये को मलेरिया तो हुआ कहां से? किसी और से हुआ, मतलब शुरू कैसे बी को हुआ वैसे वो तो हुआ किसी और से, लेकिन शुरू कैसे हुआ होगा? वैसे तो हर चीज शुरू कैसे हुआ है, बताया जैसे लाइफ का शुरुआत कैसे हुआ, स्पॉन्टेनियस उसी तरह प्रोटोकॉल बन रहा होगा, प्लाज्मोडियम से होता है मलेरिया, अपने मच्छर को डायरेक्ट नहीं, मच्छर से नहीं होता, मच्छर को भी बीमारी होता है, कब होता है? हाँ हर मच्छर के कारण से नहीं होता मलेरिया, सुनने में आता है कि वो वाला मच्छर हाथ से पैर पे काटता है ऐसा। नेक्स्ट इज बाय वोमाइट्स, ये अभी बहुत सुनने में आया, अभी से पहले तो इसका एग्जांपल बहुत ही मुश्किल था बट अब ये बड़ा ही कॉमन हो चुका है ये COVID-19, ठीक है। वोमाइट्स में क्या होता है कि जो डिजीज पर्सन है वो जिस भी चीज में सट गया वो चीज अब एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का एक्ट कर सकता है, मतलब ये कि अगर मिस्टर ए को कोविड है और मिस्टर ए कोविड होने के बावजूद अपने हाथ से फोन चला रहे थे और खांस रहे थे, तो अब मिस्टर बी जब इस फोन में जरा ये देखिएगा कि किससे बात कर रहा था, व्हाट्सएप चेक कर रहे हैं चुपके से, तब उसको भी हो जाएगा, समझ के बाद। वोमाइट्स मतलब जो भी ऑब्जेक्ट कॉन्टेक्ट में आता है, दैट ऑब्जेक्ट स्टार्ट एक्टिंग एज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन,
देखिए मलेरिया के अलावा से बहुत आ सकता है, काला जार, स्लीपिंग सिकनेस, बहुत सारा बीमारी फैक्टर्स के थ्रू होता है। लिख लिए काला जार में आरबीसी टूट जाता है, आरबीसी टूट टूट कर ब्लैक कलर का हो जाता है और हमारे यूरिन के थ्रू पास होता है, तो काला जार जिसको हो जाएगा उस पर्सन का यूरिन ब्लैकिश होगा, काला कलर का यूरिन। ओके इतना। नेक्स्ट देखिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अगला हेडिंग बेस दूसरा है, फर्स्ट लिखो इनोक्यूलेटिव, इनोक्यूलेटिव अगर कोई बीमारी या अगर कभी पैथोजन सीधा आपके ब्लड में इंजेक्ट हो रहा है तो आप उसको बोलोगे उसका सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इनोक्यूलेटिव। जैसे मलेरिया में मच्छर सीधा आपके खून में पहुंचाता है प्लाज्मोडियम को, तो मलेरिया का जो सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है कैसा है, इनोक्यूलेटिव। ठीक है लिख लीजिए, पैथोजेंस आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ब्लड by vectors. हो गया। सेकेंड लिखो कॉन्टामिनेटिव, इनोक्यूलेटिव के बाद दूसरा कॉन्टामिनेटिव, कितना पेज हो गया तुम्हारा, 60 थी तीसरा, आई थिंक कंप्लीट हो गया, आज नाम हो समझ गया। कॉन्टामिनेटिव लिखिए, वेन इंफेक्शन इज स्प्रेड थ्रू फूड एंड वॉटर, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वॉटर एक्चुअली, वेन इंफेक्शन इज स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वॉटर, वेन इंफेक्शन इज स्प्रेड थ्रू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वॉटर, हो गया। नेक्स्ट देखो कॉन्टेजियस, कॉन्टेजियस इसमें देखिए, हियर द इंफेक्शन इज स्प्रेड, कॉन्टेजियस में हियर द इंफेक्शन इज स्प्रेड बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ इंफेक्टेड पीपल, स्प्रेड बाय कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ इंफेक्टेड पीपल, टाइप्स ऑफ डिजीज, हेडिंग नहीं चल रहा, बीच में सब हेडिंग आ रहा है तो बता रहे। दो तरह का डिजीज होता है, पहला कंजेनाइटल और दूसरा एक्वायर्ड। होमाइट्स, FOMITES, होमाइट्स। कॉन्टेजियस में तुम्हारा बीमारी तुम्हारे थ्रू मेरे तक पहुंचेगा, और वोमाइट में तुम्हारा बीमारी तुम दीवार को छुए और हम भी दीवार को छुए तो दीवार के थ्रू मेरे तक पहुंचा। वोमाइट में ऑब्जेक्ट एक्ट एज सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, तुम नहीं, और कॉन्टेजियस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। क्या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट दोनों, वोमाइट नहीं डायरेक्ट होगा तो वोमाइट के थ्रू नहीं बोलेंगे उसको, ठीक
फिर अगर मान लो जैसे कोविड ही है, कोविड तो डायरेक्ट जैसे कोविड है, कोविड अगर तुम्हारे तक किसी इंफेक्टेड पर्सन के थ्रू पहुंचा तो तुम उसको थ्रू होम आई थोड़ा ना बोलोगे, तब तुम बोलोगे कि वो डायरेक्ट है। वही तो हम बोलते इसका वजह ठीक है। तो अगर डायरेक्ट पहुंच गया तो उसको बोलेंगे भाई डायरेक्ट ट्रांसमिशन। अगर कोविड मेरे पास किसी वोमाइट के थ्रू पहुंचा तो बोलेंगे वोमाइट ट्रांसमिशन। बीमारी थोड़ा ना डायरेक्ट या वोमाइट होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है डायरेक्ट या वोमाइट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ डिजीज, पहला कंजेनाइटल और दूसरा अक्वायर्ड। कंजेनाइटल में आता है वैसा बीमारी जो आपके बॉडी में लाइफ टाइम से, बीमारी जो आपके बॉडी में बाय बर्थ, उसको क्या बोलेंगे कंजेनाइटल। तो लिखो अच्छी तरह करना, यहां पे दो दो और बनाएंगे तो ज्यादा ज्यादा स्पेस छोड़ देना, इसमें तो नहीं लिखेंगे बट यहां लिखेंगे कंजेनाइटल लिखे, विच अपीयर्स ड्यूरिंग बर्थ। कंजेनाइटल विच अपीयर्स ड्यूरिंग बर्थ, दो टाइप, पहला लिखो जेनेटिक और दूसरा लिखो एनवायरमेंटल। जेनेटिक और दूसरा एनवायरमेंटल। जेनेटिक में लिखिए इट अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन जीन्स, इट अकर्स ड्यू टू डिफेक्ट इन जीन्स। एग्जाम्पल लिखो सिकल सेल एनीमिया, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, बहुत सारा पढ़े हम लोग। बहुत सारा होता है, कुछ एग्जाम्पल ना दो तीन, वो पूरा लिख सकते। हाँ सब लिख सकते बिल्कुल, सब जेनेटिक डिसऑर्डर है। नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल, लिखिए ड्यू टू सडन चेंज या ड्यू टू सडन एनवायरमेंटल फैक्टर, तो ड्यू टू सडन एनवायरमेंटल फैक्टर। Due to sudden environmental factor, हो गया। जरा जानना, ये थोड़ा सा अजीब है आप लोग के लिए, सर आपसे पहले कभी नहीं सुने हो कि ऐसे भी बीमारी हो सकता है। ये environmental factor या environmental disease अक्सर pregnant female में देखने को मिलता है, वो वहां common है। होता ही है कि अगर मान लो जैसे सुने भी होगे कि प्रेग्नेंट फीमेल को ग्रहण के समय यानी इक्लिप्स के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, सुने ऐसा कभी? ऐसा तो किसी को भी नहीं निकलना चाहिए, उस वक्त बहुत सारे हार्मफुल रेज निकल रहे होते हैं, बट प्रेग्नेंट फीमेल को और नहीं। क्यों? क्योंकि बॉडी के अंदर जो जाइगोट है वो इनिशियल स्टेज में, एक भी सेल में डीएनए बदल गया अगर म्यूटेंट हो गया तो उसके बाद वो पता नहीं कितने सारे सेल्स में डिवाइड करने वाला है। मतलब ये कि अगर मान लो हम गए इक्लिप्स में और मेरे यहां का डीएनए बदल गया तो सिर्फ यही का डीएनए बदला ना, अब तो जब यहां का सेल लॉस्ट होगा तभी वो डिवाइड करेगा तो सिर्फ यही का ही रह जाएगा। लेकिन अगर मान लो जाइगोट में डीएनए बदल जाए तो जाइगोट तो डिवाइड करके पूरा बॉडी बनाएगा, तो जन्म लेने वाला बच्चे का पूरे बॉडी में खराब डीएनए आ गया, समझ लो खराब यानी म्यूटेंट डीएनए। तो फीमेल्स को मना किया जाता है, प्रेग्नेंट फीमेल्स को खासकर। उसके अलावा शायद कभी आप लोग का नजर किसी ऐसे बच्चे पे या किसी ऐसे इंसान को आप देखे हो जिनका लिप्स यहां से कटा होता है, लिप्स कटा होता है, शायद नाक का ये जो बीच का सेक्टम है ये भी आधा स्टार्टिंग में नहीं होता, पूरा दांत ही सब दिख रहा होता है बाहर से, देखे कभी? देखे, इसको बोलते हैं हेयर क्लेफ्ट। क्या बोलते हैं? हेयर क्लेफ्ट।
हेयर बोलते हैं, उसको बोलते हैं एच ए आर ई हेयर, एच ए आर ई वाला नहीं, एच ए आर ई किसको बोलते हैं, खरहा, खरगोश की तरह का होता है। और नोटिस अगर कभी खरगोश भी देखे तो उसका भी ओठ यहां से कटा होता है, और चूंकि इंसान का भी ऐसा ही हो जाता है इसलिए उसको हेयर क्लिप्ड बोलते हैं। ये कैसे होता है कि जैसे मान लो प्रेग्नेंट फीमेल घर में आराम से मस्त बैठी हुई है, अचानक से बहुत जबरदस्त वाला बिजली कट गया और वो अचानक से डर गई, तो इस अचानक से डर से उसके बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म में चेंज आता है, कई बार उसका उसके प्रेगनेंसी में भी असर पड़ता है और बच्चे का लिप्स क्लेफ्ट हो जाता है। चाहे ऐसे कभी नहीं सुने, पहले बोले भी थे हम, बहुत अजीब अजीब तरीके का बीमारी मिलेगा बट इन्वायरमेंटल ऐसा ही है। तो लिखिए कुछ लिखे थे इन्वायरमेंटल में कुछ नहीं, एग्जाम्पल लिख लो हेयर क्लिप्स और पैलेट क्लिप्स, हेयर क्लिप्स और कई बार पैलेट भी कट जाता है, पैलेट पैलेट समझते हो, बोलते हैं हार्ड पैलेट सॉफ्ट पैलेट क्या रहा है, कुछ माउथ के अंदर ऊपर वाला पार्ट उसको पैलेट बोलते हैं, आगे में है हार्ड पैलेट, माउथ में पीछे में है सॉफ्ट पैलेट। ये हम लोग पढ़े थे, तुम लोगों के साथ नहीं पढ़ाए हम इलेवेंथ में भी, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है, अगर बीबीएस में मिलेगा अगर गए तो। पैलेट बस हार्ड पैलेट कोई नहीं, हम बता दिए आज, बताए थे बताए थे, वाह भाई वेरी गुड क्वेश्चन, आई नो, आगे में हार्ड पैलेट पीछे में सॉफ्ट पैलेट। चलिए अब अक्वायर्ड में लिखिए अपीयर्स इन लाइफ टाइम, इसी में लिया क्या, नहीं नहीं अक्वायर्ड अपीयर्स इन लाइफ टाइम, लिखिए इसमें अच्छा पीरियड ड्यूरिंग लाइफ टाइम हो गया, इसमें लिखेंगे दो तरह का, एक कम्युनिकेबल और दूसरा नॉन कम्युनिकेबल। चलिए कॉपी के ऊपर में जहां बोलते हैं कोई एक्स्ट्रा पॉइंट को लिखने के लिए मार्जिन के ऊपर में वहां लिखिएगा, लूज मोशन विथ म्यूकस एंड ब्लड इज कॉल्ड डिसेंट्री, लूज मोशन विथ म्यूकस एंड ब्लड इज कॉल्ड डिसेंट्री। लूज मोशन विथ म्यूकस इन ब्लड इज कॉल्ड डिसेंट्री। ठीक है ये ध्यान रखना। नेक्स्ट अपेक्ट हेडिंग बताइए, डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। यहां पे पढ़ने के लिए बहुत है बट एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए आपको बता भी दें, तो जो जो काम का है वो लिखवाएंगे, जो काम का नहीं है वो हम आपको पीडीएफ के फॉर्म में भेज देंगे। अब वो आपके ऊपर है कि आप उसको अपने नोट्स पे डालकर याद कर लें या नहीं। ठीक भेजेंगे इसलिए क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है, सारा बीमारी का सिम्टम और टेस्ट, क्योंकि ये खुद से रिलेटेड चीज है, टाइफाइड का तो ये हो सकता है, इसमें टेस्ट लिखता है डॉक्टर बुद्धू ना बना दे एक चीज, और दूसरा चीज ये इंटरेस्टिंग है, अगर चाहो तो एक घंटा पढ़ के याद रख सकते हो हमेशा के लिए, ऐसा टॉपिक तो क्यों ही मिस करना थोड़ा सा के लिए। तो लिखिए क्या शॉर्ट करने के लिए, हाँ फेंकने के भी काम आएगा।
एक्चुअली जो काम का है वो सब इस पेज में है, पूरा डिजीज जिसको अभी हम अगला 10 पेज में लिखवाएंगे। काम का सिर्फ इतना है, डिजीज उसका पॉजिटिव एजेंट, उसका वेक्टर और उसका कंफर्मेटरी टेस्ट। बट चलिए हम लोग पढ़ेंगे इसमें ना, हाँ ये चीज पूछ जाता एग्जाम से दो दिन पहले रिविजन करने के लिए। अच्छा चलिए, डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया हेडिंग हो गया। अच्छा कुछ और दिख रहा है आपको, अभी आपको एपिडेमिक पैंडेमिक ये सब नाम बड़ा मिल रहा होगा है ना, और स्टार्टिंग में एपिडेमिक जैसे कोविड फैला था तो बोला गया कि कोविड को एंडेमिक डिजीज बोला गया, कुछ दिन के बाद आया कि कोविड को WHO पैंडेमिक डिजीज का दर्जा दे दिया, अब बड़ा दिन के बाद कोविड को WHO एपिडेमिक का दर्जा दे दिया। ठीक, तो कॉपी के ऊपर देखिए ना जरा, तीन लाइन तीन चीजों के लिए। पहला एपिडेमिक, ये सब डिजीज के बारे में है। एपिडेमिक में लिखिए, इट स्प्रेड्स फास्टली इन लोकल पॉपुलेशन। अगर कोई बीमारी तेजी में लोकल पॉपुलेशन में फैल रहा हो तो उसको बोलते हैं एपिडेमिक। जैसे एपिडेमिक को ही हिंदी में महामारी बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो जीका वायरस आया था कुछ समय पहले, नाम सुने थे? नहीं। अच्छा कोई और नाम याद कर ले दो। अच्छा जब कोविड फैला था उसके 4-5 महीने के बाद न्यूज में यह भी आ रहा था कि नया वायरस निकला है जो सुअर से फैल रहा है चाइना में, याद आया? नहीं, सुअर से, सब चूहा कम खाता है, सुअर सांप सब ज्यादा खाता है, जी है सब जी। नहीं सुने बर्ड फ्लू? सुने बर्ड फ्लू फैल गया, हाँ क्योंकि चिकन से सब लोग रिलेटेड है तो बर्ड फ्लू का ख्याल रखते हैं। बर्ड फ्लू जब फैलता तो कैसे फैलता? एक बार पूरे देश में फैल गया? नहीं, इस जिला में ब्लड फ्लू बर्ड फ्लू फैल गया, फिर इस जिला से इस जिला में भी पहुंच गया है, इस राज्य में पूरा बर्ड फ्लू फैल गया। ये लोकल पॉपुलेशन में फैलता है, इसको क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। क्या बोलते हैं? एपिडेमिक। दूसरा देखो पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक है, पैंडेमिक देखिए स्प्रेड फास्टली इन वर्ल्ड पॉपुलेशन। कुछ बीमारी फैलने के कुछ समय बाद तक जब चाइना में पूरा पूरा चाइना में फैल गया तब भी उसको एपिडेमिक कहा जा रहा था, जब 2-4 देश में फैल गया तब उसको पैंडेमिक बोलना शुरू किया गया था, याद है? तो स्प्रेड्स फास्टली इन वर्ल्ड पॉपुलेशन। अभी 3 बीमारी है जो इसमें बहुत कॉमन है, पहला एड्स, दूसरा एचबीबी, इसका पूरा नाम क्या, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। हाँ बिल्कुल पैंडेमिक है, जब फैला था तो बवाल मचा दिया था, अभी भी मचाए हुए। ये अलग बात है कि इसका वैक्सीन आ गया तो थोड़ा हद तक कंट्रोल में हेपेटाइटिस, बट एड्स अभी भी, एड्स में भी जागरूकता फैला रहे हैं लोग कि भाई बचिए, तो एड्स से भी बचे हुए। बट अब तीसरा आ गया, कितनों जागरूक हो लीजिए, टपकना ही है। नाम लिखिए उनका, कोरोना, कोविड तो वायरस का नाम है, कोरोना। तीसरा लिखिए एंडेमिक डिजीज, एंडेमिक ENDEMIC, एंडेमिक लिखिए। इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर पर्सन, इट इज रेस्ट्रिक्टेड टू पर्टिकुलर पर्सन एंड इज लोकलाइज टू अ ज्योग्राफिकल एरिया एंड इज
localized particular person and is localized in a geographical area and is localized in a geographical area. हो गया इस पूरे का मतलब क्या क्या एग्जाम्पल ग्वाइटर 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 क्या होता है किसकी कमी से होता है आयोडीन की कमी से यह किसी एक पर्सन दूसरे पर्सन में फैलता है नहीं ये तो न्यूट्रिशनल डिजीज है आपके बॉडी में आयोडीन कम हुआ इसलिए आपको हो रहा है ये बीमारी लेकिन जिस जगह पे पानी में ही आयोडीन का कमी है तो वहां पे उस लोकल एरिया में तो सब ऑलमोस्ट को वाइटर मिल जाएगा यू बोल दो फ्रीक्वेंट होगा वाइटर कॉमन होगा तो ये एक लोकल ज्योग्राफिकल एरिया में रिस्ट्रिक्टेड है और एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता लेकिन एक लोकल ज्योग्राफिकल एरिया में बहुत फ्रीक्वेंट है मान लो पहाड़ पे अक्सर नमक में आयोडीन का कमी होता है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना होगा कि वहां पे जिस भी पर्सन में ग्वाइटर हो रहा है किसी से फैला रहा है नहीं वो पानी में ही कमी है वहां का नमक में ही कमी इसलिए हो रहा है इसको बोलेंगे एंडेमिक लोकल अंदर में ही रिस्ट्रिक्टेड डालिया डिजीज में पहला हेडिंग टाइफॉइड डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया ना उसके अंदर सब हेडिंग जो जो इंपॉर्टेंट है उसको टिक मारेंगे तो ये टाइफॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है टिक मार लीजिएगा टाइफॉइड हाँ पहला टाइफॉइड इसका एक और नाम है इंट्रिक फीवर क्या नाम है इंट्रिक फीवर कॉजेटिव एजेंट के बारे में लिखिए कॉजेटिव एजेंट कैसे होता है किससे होता है कॉजेटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी कौन है कॉजेटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी क्या बायोटेक में बायोटेक का नाम आया था साल्मोनेला टाइफी का बायोटिपिक मारे बायोटिक शुरू कर दिया तुम कहां तक हो गया अबे कल वाला लास्ट है मतलब वो लास्ट से है उसके पहले बहुत सारे लेक्चर है ना अच्छा तो कल वाले पे पहुंच गए हो मतलब कल दिन भर वही देखा बायोटिक कल परसों में खत्म करो बायोटेक का लेक्चर ऑनलाइन अवेलेबल है डाल रहे चाहो तो लाइन भी जुड़ सकते हो फैजान तुम पूरा देखे रहो अगला क्लास के वक्त तुमको हम लिंक भेज देंगे ठीक है लाइन जोड़ देना आखिरी क्लास होगा बायोटेक का उस चैप्टर का टाइफॉइड में पॉजिटिव एजेंट देखिए साल्मोनेला टाइफी दूसरा टेस्ट या कंफर्मेटरी टेस्ट अगर डॉक्टर को कभी भी शक हो कि आपको टाइफॉइड है तो डॉक्टर कौन सा टेस्ट लिखेगा विनाइल टेस्ट तो तुम समझ रहे हो एलिजा है एलिजा एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉल्वेंट ऐसे फिर पढ़ेंगे रुक जाओ विनाइल टेस्ट सिम्टम लिखे पहला 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर 39 टू कंफर्मेटरी टेस्ट विडाल टेस्ट नेक्स्ट क्या 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर ठीक है 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस बॉडी टेम्परेचर हो गया नेक्स्ट एब्डोमिनल पेन जबरदस्त पेट दर्द होगा नेक्स्ट कॉन्स्टिपेशन
कॉन्स्टिपेशन। नेक्स्ट लॉस ऑफ एपेटाइट। इतना स्लो। एब्डोमिनल पेन। लॉस ऑफ लॉस ऑफ एपेटाइट। एपीईटीएटीआईटी एपेटाइट का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब बेचैनी, एकदम घबराहट, बेचैनी, शांति नहीं मिल रहा है, अजीब से मन लग रहा है। नेक्स्ट हेडेक। हो गया। नेक्स्ट इंटेस्टाइनल परफोरेशन इन लास्ट स्टेज। इंटेस्टाइनल परफोरेशन इन लास्ट स्टेज। इंटेस्टाइनल परफोरेशन इन लास्ट स्टेज। सबको ज्यादा हल्ला करना है, दो जरा इंटेस्टाइनल परफोरेशन इन लास्ट स्टेज। इंटेस्टाइन में छेद हो जाता है, ठीक है। अगला लिखिए, एक नोट करके पॉइंट लिखिए, नोट। ये खत्म हो गया, मतलब अगर आपका टेम्परेचर बहुत हाई हो, आपको पेट दर्द हो रहा हो, आपको कंस्टिपेशन हो, आपको बेचैनी हो रहा हो, सिर दर्द हो, तो आप समझ लीजिए कि आपको टाइफॉइड और फटाफट विडाल टेस्ट कराइए। ये विडाल टेस्ट का पॉजिटिव रिजल्ट कंफर्म करके बताएगा कि यस यू हैव एन इन्फेक्शन ऑफ साल्मोनेला टाइफी ओ, और ये बीमारी बहुत खतरनाक बीमारी है, इतना कमजोर कर देता है, इतना ज्यादा कमजोर कर देता है कि बढ़िया से खड़ा होकर चल भी नहीं पाइए, इतना कमजोर, ठीक है। क्या हाँ कॉमन हो भले ही गया है, बट क्योंकि हम लोग कहीं के भी खाना पानी पी लेते हैं, ये यूरिन कॉन्टामिनेशन से फैलता है, मतलब आप जो पानी या खाना खा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं स्टूल या यूरिन का कॉन्टामिनेशन है, तभी साल्मोनेला टाइफी आपके अंदर पहुंचा। जिसको भी टाइफाइड हो समझो, कहीं ना कहीं से वो टेस्ट किए हुए हैं, भले उसको पता नहीं चल रहा क्या जो भी हो, मतलब अगर हुआ है ठीक है, ये टाइफाइड वैसे ही फैलता, बहुत वीक कर देता, बहुत ज्यादा। लेकिन कुक मेरी बेलन, हाँ ये मेरी बेलन MERYBELN नाम पे जबरदस्त है, मेरी में सॉरी मेरी मेलन, हाँ बेलन बोल रहे हैं, मेरी मेलन MERYBELN मेरी मेलन वॉज अ कुक। सेकंड में मैंने साथ में नोट में कुक मेरी मेलन वॉज अ कुक। स्पेलिंग क्या बोल रहे हैं? MERYBELN was a cook who used to spread the disease unknowingly. And was called टाइफॉइड मैरी। एक्चुअली में ये कुक थी और इसको टाइफॉइड था, तो ये खाना बना बना कर हर जगह पहुंचाते थे, और चूंकि इसको खुद टाइफॉइड था तो इसके थ्रू ही कई बार टाइफॉइड फैलता चला गया। खूब टाइफॉइड फैलाई है, टाइफॉइड मैरी इतना फैलाई, इसका नाम टाइफॉइड मैरी रखा गया, टाइफॉइड मैरी। हाँ टाइफॉइड मैरी, बहुत टाइफॉइड फैलाई।
ये इंपॉर्टेंट डिजीज था, इसका सब कुछ याद रखिएगा। यहाँ तक कुक मेरी मेलॉन का भी, कुक मेरी मेलॉन इसमें 5 से 6 बार आ चुकी है, ठीक है। तो और टाइफाइड मैरी भी, इसीलिए इनको हल्के में मत लीजिएगा, बहुत बड़ी विलन है वो, पहुंचे भी विलन। नेक्स्ट इज प्लेग, अगला बीमारी प्लेग, थोड़ा जल्दी जल्दी छापे प्लेग। कॉमनली इसको ब्लैक डेथ भी बोलते हैं, काला मृत्यु, ब्लैक डेथ। प्लेग का नाम शायद आप लोग सुने हो, किसी गांव में अगर प्लेग फैलता था तो पूरा गांव का गांव साफ हो जाता था, और प्लेग के फैलने का पहचान होता था चूहों का मरना। किसी घर में लगातार 5 से 6 चूहा मरता वाले गया तो डर के मारे पूरा गांव ही खाली, ठीक है, इसका खौफ था। क्या डेथ, अभी बहुत दर्दनाक चूहा मरा हो, वायरस टाइप का, पढ़ते क्या था, लिखे कॉजेटिव एजेंट, वायरस कैसे, जब हम लिख रहे डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया रहा होगा, लिखिएगा कॉजेटिव एजेंट। नाम है यर्सिनिया पेस्टिस, YERSINIA, यर्सिनिया पेस्टिस, YERSINIA, यर्सिनिया पेस्टिस, पेस्टिस, PESTIS। इसका वेक्टर भी है, मतलब ये ऑटोमेटिक नहीं फैलता है, इसका ट्रांसमिशन वेक्टर के थ्रू है, जनोपसिला चियोपिस। जनोपसिला चियोपिस इसको कॉमनली रैटफ्लिया भी बोलते हैं। आपसे जो याद है वो याद रखिए, वैसे मेरे हिसाब से जुलाफिला चियोपिस आसान है ना। वेक्टर कौन है भाई प्लेग का, तो जुलाफिला चियोपिस नहीं, जुलाफिला चियोपिस। कॉजेटिव एजेंट कौन, यर्सिनिया पेस्टिस, ये बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया को कैरी करने वाली मच्छर लाइक ऑर्गेनिज्म कौन, जुलाफिला चियोपिस, ठीक है। अब इसका सिम्टम लिखिए, वैसे तो जरूरी नहीं है बट हम लिखवा देते हैं। देखिए फीवर, फीवर, नेक्स्ट ब्यूबोन लाइक अपियरेंस, BUBON, फोरा, ब्यूबोन लाइक अपियरेंस इन ग्रोइन और आर्मपिट। ग्रोइन किसको बोलते हैं, ग्रोइन एरिया, GROIN, ग्रोइन, ब्यूबोन लाइक अपियरेंस इन ग्रोइन और आर्मपिट, ब्यूबिन लाइक अपियरेंस इन ग्रोइन और आर्मपिट, GROIN, ग्रोइन और आर्मपिट किसको बोलते हैं, सेक्स ऑर्गेन जहां होता है दोनों थाई के बीच में, तो दोनों थाई के बीच का वो एरिया और नाभि के नीचे, या सिंपल बोलो कमर के नीचे का एरिया, मतलब एरिया ऑफ योर बॉडी सराउंडिंग योर सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड ग्रोइंग एरिया। क्या बोलते हैं उसको, ग्रोइंग एरिया। आर्मपिट किसको बोलते हैं, कांख, ये दिस इज योर आर्मपिट। तो ब्यूबोन लाइक अपियरेंस इन ग्रोइंग एंड आर्मपिट दोनों वैसे ही जगह बोलते जो जल्दी दिख रही है ना। नेक्स्ट रेड पैचेज इन स्किन दैट टर्न्स ब्लैक, अब समझा ब्लैक डेथ क्यों बोलते हैं, रेड पैचेज ऑन स्किन दैट टर्न्स ब्लैक, रेड पैचेज ऑन स्किन दैट टर्न्स ब्लैक। कितना पहले लिखिए घंटे में, ऐसे मेरा छोटा अंजलि पक्का रोएगी भैया, जब हम नहीं आते तो क्या पढ़ाते हैं, आते हैं बात करते हैं। नेक्स्ट ट्यूबरकुलोसिस, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट बोले यानी नीट और बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ट्यूबरकुलोसिस कॉमनली क्या बोलते हैं इसको, टीबी, ठीक है। तो जो टीबी हम देखते हैं वो टेलीविजन है, और जो टीबी होता है वो है ट्यूबरकुलोसिस।
ठीक है। इसको कॉमनली एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है कॉक्स डिजीज। क्या बोलते हैं? कॉक्स डिजीज। कॉक का स्पेलिंग के ओ सी एच होगा। खुशी खुशी मुर्गा और कॉक मत दिखेगा। के ओ सी एच, कॉक्स डिजीज। कॉक्स डिजीज हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस मुझे नहीं करा देंगे। चलिए कॉजेटिव एजेंट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इंपॉर्टेंट है। इसका कंफर्मेटरी टेस्ट मोंटेक्स टेस्ट। देखो सामने मैनटॉम्स टेस्ट, एम ए एन, मैनटॉम्स टेस्ट। ये अभी भी चलता है। अभी भी अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस का शक होगा, वैसे पता होना चाहिए ट्यूबरकुलोसिस बहुत तरह का होता है। पल्मोनरी जो खांसी वाला होता है, बोन मैरो ट्यूबरकुलोसिस भी होता है, ठीक है। तो ट्यूबरकुलोसिस बहुत तरह का होता है और सबका टेस्ट क्या है? मैनटॉम्स टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, एक नन्ना सा इंजेक्शन लेते हैं, इतना बड़ा, ठीक है, नन्ना सा इंजेक्शन, और स्किन के ऊपर, इसको स्किन के जस्ट नीचे इंजेक्ट करते हैं। स्किन उठाए इसे यहां पे कहीं पे भी, डॉक्टर से मान लो ये तुम्हारा हाथ है, बॉडी बिल्डर था, ठीक, यहां से चमड़ा पंच किए, ऐसे गोल कर दिया हमने, गोल निशान बना दिए, और वहीं पे अपना नन्हा सा इंजेक्शन, जैसे इंजेक्शन गया 24 घंटा के अंदर बहुत जबरदस्त वाला खुजली होता है, और अगर खुजली हो गया मतलब टीबी है, नहीं है वो मतलब नहीं है। क्या ग्रीन? हाँ कलर भी चेंज होता है तुम्हारा, हुआ लगता है लेकिन ग्रीन नहीं हुआ। बस टाइफाइड बचा है, नहीं अरे ये नहीं हुआ था, ये बस शक था। वाह अभी तुमको समझ में आ गया होगा कौन सा इंजेक्शन था वो? ज्यादा बड़ा नहीं था, तो हम खुद ही बोले नन्ना सा इंजेक्शन था, तो मान ही चलो। सिम्टम ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो तो ध्यान रखिएगा। सिम्टम पहला, इन दिस केस लंग्स कॉमा लिम्फ नोड कॉमा बोन्स गेट इन्फेक्टेड। लंग्स लिम्फ नोड एंड बोन्स गेट्स इन्फेक्टेड। लंग लिम्फ नोड एंड बोन्स गेट इन्फेक्टेड। लंग लिम्फ नोड एंड बोन्स गेट इन्फेक्टेड। लिम्फ लिम्फ नोड एल वाई एम पी एच। 26 दिसंबर से टेस्ट सीरीज चालू हो रहा है, सुने मैडम ज्वाइन करना है। कहाँ एलन? अभी हम तैयार नहीं, उससे कुछ ना होता लगातार एग्जाम मेरा कंप्लीट हो नहीं, फिर भी होगा। तुम 9 तारीख से ज्वाइन कर लेंगे, 8 को मेरा पेपर दे कंप्लीट होगा, नहीं कर पाएंगे अभी हम। होगा जितना होगा, जो चैप्टर होगा बस वही, तभी तुमसे 12th वाले का दो टेस्ट, रिवाइज करते रहो, पहले वाला नहीं बन रहा, या हर टेस्ट के लिए दो चैप्टर बस पढ़ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में लाके, ये तो हो सकता है, दो चैप्टर तो पढ़ सकते हो 7 दिन में। टेस्ट दीजिए, और नहीं हो रहा है अभी तो छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ 12th का टेस्ट लगातार। 11th में पढ़ भी कहां रहा है, छोड़ दो 12th तो पढ़े हो ना, पढ़ना है ना, दीजिए बस। में हम ये बहुत सीरियसली बोल रहे हैं। सिम्टम पहला, इन दिस केस लंग्स लिम्फ नोड एंड बोन्स गेट इन्फेक्टेड। लंग्स को अंडरलाइन करके लिखो, अगर लंग इन्फेक्टेड रहा तो बोलेंगे पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस,
अगर लंग इन्फेक्टेड रहा तो क्या बोलेंगे? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। लंग पल्मोनरी ट्यूबर क्लोसिस, लिम्फ नोड रहा तो इसको मोस्टली एक्सिलरी बोलते हैं, या फिर छोड़ दो तो मत लिखो इसको। बोन में लिखो, बोन कौन लाइन करके, बोन मैरो ट्यूबर क्लोसिस। हो गया अगला पॉइंट, फीवर, नाइट स्वेटिंग, फीवर क्या नहीं नहीं बोन मैरो खत्म, बोन मैरो को बोन मैरो ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, पॉइंट खत्म। अगला पॉइंट, फीवर, नाइट स्वेटिंग, लॉस ऑफ बॉडी वेट, कफिंग, लॉस ऑफ बॉडी वेट, कफिंग, कफिंग कौन लाइन करके लिखो, ओनली इन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। ओनली इन पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अगला येलोइश कफ, अगला पॉइंट बोल रहा हूं, येलोइश कफ कंटेनिंग सिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, येलोइश कफ कंटेनिंग सिस्ट ऑफ बैक्टीरिया एंड ब्लड इज कॉल्ड स्पूटम। Is called sputum. Yellowish cuff containing cyst of bacteria and blood is called sputum. S-P-U-T-U-M. Sputum. Sputum का सिंपल मतलब होता है कि सुने होंगे जो या अक्सर मूवी में, पुराना मूवी में खासकर, माँ तुम्हारा तबियत कैसा है, तब माँ उसी वक्त खांसी आता है और उसमें से खून निकलता है। What is clear? ये जो स्पेशल सीन होता है ये टीवी के लिए, डायरेक्टर लोग टीवी खूब देखा है और टीवी देखते टीवी बीमारी को भी समझ लिया, एकदम रोल मॉडल बीमारी। वो जो कफ जिसके साथ खून भी आता है उसको स्पूटम बोलते हैं। कफ जिसमें खून भी हो और साथ में बैक्टीरिया का सिस्ट भी हो, कौन से बैक्टीरिया का? टीवी के बैक्टीरिया का। कौन है टीवी का बैक्टीरिया? हाँ पलट ले, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, अगला पॉइंट, रिलीजेज अ टॉक्सिन कॉल्ड ट्यूबिसिलिन, रिलीजेज अ टॉक्सिन कॉल्ड ट्यूबिसिलिन, TUBESELIN, TUBESELIN, ट्यूबिसिलिन, रिलीजेज अ टॉक्सिन कॉल्ड ट्यूबिसिलिन। हो गया क्या? TUBESELIN, ट्यूबिसिलिन। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डॉट डॉट, नेक्स्ट पॉइंट डॉट, DOT, अरे डॉट मतलब तू डॉट दे दी, मतलब लिख DOT, ब्रैकेट में लिखिए, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट।
तो लगाओ फुल स्टॉप में डॉट दी है, लास्ट पॉइंट के एंड में, अब लास्ट पॉइंट के एंड में हाँ तो डॉट बोलने में तो डॉट ऐसे ऐसे देखे थोड़ी शॉर्टकट का एकदम लिमिट पार अल्ट्रा प्रो लेवल कर लीजिए डॉट डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट इज गिवन टू द पेशेंट ट्रीटमेंट इज गिवन टू द पेशेंट नेक्स्ट पॉइंट मेडिसिन्स कंटिन्यूज फॉर 9 months मेडिसिन कंटिन्यू फॉर 9 months तेरे तो बच्चा जन्म लेता है सोचो इसका इतना लंबा इलाज चलता है हाँ मेडिसिन विदाउट अ सिंगल डे गैप विदाउट अ सिंगल डे गैप हो गया नेक्स्ट बीसीजी फोर नेक्स्ट पॉइंट नहीं रहे बीमारी नहीं इसमें बीसीजी बैसिलस कैलमेटिक यूरिन बैसिलस का स्पेलिंग तो लिखी लोगे कैलमेटिक सी ए एल एम ई डबल टी ई सी ए एल एम ई टी टी ई ऐसा लग रहा है जैसे कि हम ट्रेन में अनाउंसमेंट कर रहे हैं यूरिन जी यू आर ई आई एन जोया को भी अपने ट्रिप याद आ गया ट्रेन वाला है ना याद रिंगन कृपया दिया हमने 00051 ट्रेन पटना से चलकर हावड़ा जाने वाली जो भी हमको याद आ गया हाँ लगातार बहुत ट्रेवल किए हैं फिर सोच रहे कहीं जाए घूमने क्या जब फरवरी में काम तो तुम भी चलोगे मंगल ग्रह में भी जाना अच्छा मंगल ग्रह में भी जाना जा सकते हैं कितना स्वार्थी है अपना एग्जाम होगा तो मंगल ग्रह पे भेज दो बहुत नीट बचा हुआ रहेगा देखिए ब्रैकेट बंद बैचलर्स कैमेटिक यूरिन के बाद ब्रैकेट बंद इज गिवन एज प्रिवेंशन ऑफ टीबी ये वैक्सीन एक्चुअली बीसीजी का अगर टीका लेंगे बीसीजी का वैक्सीन अगर आप लेंगे तो आपको ट्यूबरक्लोसिस नहीं होगा बचपन में हाँ बचपन देखते हो बच्चा जन्म लिया डॉक्टर लिस्ट निकाल देता है इतना सा शुल्क भोगना हर महीने एक दो अरे इतना भोखाता है कि बच्चा एकदम जैसे सुई नहीं पड़ता उधर होता है क्या सुई का नहीं पड़ा है एक दिन अचानक से मम्मी बोले कि तुमको 2-3 टीका नहीं पड़ा ये क्लास 3-4 का बात है हम बोले बाप रे बाप अब हम नहीं लेंगे हम घर से बाहर जाएंगे बता दे रहे हैं तो फिर खतरनाक खतरनाक वाला टीका था अरे इंजेक्शन से डर सुई कितना भी घुसाना घुसा लो लेकिन सुई के साथ जो लिक्विड जाता है ना वो अंदर में आग लगा देता है समझे बच्चे के अंदर एक बार बच्चे के शरीर पे एक आध बार निशान होता है सबके शरीर पे ही होगा वो वैक्सीन का निशान है जब वो वैक्सीन दिया जाता है ना तो जबरदस्त वाला घाव होता है और वो घाव जब सूखता है तो अपना एकदम बर्थ मार्क छोड़ के जाता है ऐसा जबरदस्त अब वही वाला बच्चा होता मैंने बोली उसका 3 हेपेटाइटिस ही था सर नहीं 4 नहीं 1 में थे तो गवर्नमेंट की तरफ से आया था स्कूल में कि हेपेटाइटिस का जो लोग नहीं लिए वो ले सकते हैं तो माँ बोली हेपेटाइटिस का 3 सुई पड़ना चाहिए उनको 1 पड़ा है वो बचा हुआ है बोले हम घर से भाग जाएंगे लेकिन हम लेने वाले नहीं है क्योंकि हमको ज्यादा लगता है कि उससे 5-6 महीना पहले एक बार नहाते टाइम मम्मी बताई थी कि ये निशान तुमको इंजेक्शन पड़ने के बाद आया तो हम पूछे थे भाई किस चीज का तो बताई थी हेपेटाइटिस एक बीमारी है इसका जब सुई पड़ता तो बच्चा लोग को निशान हो जाता है घाव हो जाता है उसके बाद सब बाप है तो वैक्सीन हो गई हेपेटाइटिस हम एकदम प्रैक्टिकल थे कि अगर सुई पड़ा तो घर से भाग जाते भले भुला जाते लेकिन सुई नहीं लेते
तो अब बीसीजी जो है ये तीन लेटर का एक टीका है, एक वैक्सीन है और ये टीवी के लिए लिया जाता है। लिखिए अगला पॉइंट, इट इज अ सिंगल वैक्सीन। क्या लिखे? इट इज अ सिंगल वैक्सीन है तो बहुत मिलेगा भाई। इसी में आप कितना लिखोगे? टीवी। अगला पॉइंट, इट इज अ सिंगल वैक्सीन। ये सिंगल वैक्सीन है मतलब बीसीजी का मतलब ये कि तीन बीमारी के लिए दिया जाता है, ये वैक्सीन सिर्फ एक बीमारी के लिए। ऐसा ही एक और होता है डीपीटी, सुने डीपीटी का वैक्सीन? सुने कभी बीमारी का नाम? कोई बीमारी का नाम तो मैंने सुना, डीपीटी सुने सुने भी हो डीपीटी। ये तीन बीमारी के लिए दिया जाता है, एक टीका तीन बीमारी, ठीक है? मस्त है ना? एक ही डोज। हाँ डीपीटी, डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस, हाँ इन तीनों के लिए एक वैक्सीन दिया जाता है डीपीटी। तो इसको बोले आगे लिखाएंगे, इसको बोलते हैं ट्रिपल वैक्सीन, एक वैक्सीन तीन काम, ठीक है? अगला बीमारी लेप्रोसी, ज्यादा नहीं लिखवाऊंगा काम पर चीज बस। अगला बीमारी जो भी नंबर है तो बता, लेप्रोसी LEPROSY लेप्रोसी। तो बैक्टीरिया उड़ा नहीं देना, लेप्रोसी। आज तेजी सर का याद आ रहा होगा नहीं? उबेसी नहीं बात है, शुरू की तो ले चला जा चला जा चला जा। हम भी देख लेते हैं अगर के एक बार में दो दो लेक्चर, यहाँ पॉज नहीं कर सकते। स्टैच्यू अगर बस छोटा होता तो स्टैच्यू करने में मेरे रुक भी जाते, अब तो वो भी ऑप्शन नहीं है कि स्टैच्यू करके रोक दिए। नहीं बचपन में सब गजब होता, स्टैच्यू कर दिया सामने वाला हिल गया, दौड़ा दौड़ा के मारते थे स्टैच्यू में, कैसे हिल गया? तुम तुम्हारा घर कहाँ है एक्चुअल, मतलब यहाँ रेंट पे हो गया परमानेंट? रेंट पे। एक्चुअल घर कहाँ? बक्सर। और फादर क्या करते हैं? बिजनेसमैन। कहाँ पे क्या चीज? लेप्रोसी, इसको कॉमनली बोलते हैं हैंसन्स डिजीज, ये इंपॉर्टेंट नहीं होता तो छोड़ दे सकते हो। HANSEN ए पोस्ट ऑफ यस इंपॉर्टेंट नहीं, HANS Hansen's disease, causative agent, Mycobacterium leprae, important. सब बीमारी का causative agent important है Mycobacterium leprae, LAPRAE. Mycobacterium leprae. कहीं भी हो सकता है। लेप्रोसी का हिंदी क्या होता पता है? कुष्ठ रोग, कोढ़ नाम सुना, इसी को बोलते हैं। लेप्रोसी में क्या होता है कि बॉडी ऑर्गन में जहां पे भी इंफेक्शन होगा वो ऑर्गन सड़ने लगेगा बॉडी के अंदर ही, और फिर उसको काटना ही उपाय होता है। तो पहले हाथ कटा, फिर पैर कटा, फिर उंगली कटा, कटते 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 लास्ट में आदमी कट जाता है चिकन की तरह सीधा ऊपर। जबरदस्त बीमारी है, मतलब अभी भी गांव में इसको बहुत खतरनाक गाली भी कहा जाता है। अगर तुम किसी को बोल दो कि तुमको लेप्रोसी हो जाए, सामने डंडा दबा दबा के मारेगा, मतलब इतना गंदा गाली इसको मारा जाता है। लेप्रोसी सामने वाले को समझ में आता है क्या? नहीं, थोड़ा हिंदी में बोलना पड़ेगा। इसको गाली माना जाता है, इतना खतरनाक बीमारी। और खतरनाक भी क्यों? हिंदी में क्या? क्योंकि कोढ़ कोढ़, क्योंकि इसमें से मरता ही नहीं आगे। कोड फूटे ही मतलब। हाँ 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 हाँ। क्या क्या? ये बाद में। तो ये इसको इतना खतरनाक गाली इसलिए समझा जाता है कि डेथ तो बहुत कॉमन सा बात है, डेथ तो सबका होना है। इसमें डेथ बड़ा दर्दनाक होता है, जो जो तुम्हारे बॉडी का ऑर्गन तुम्हें सड़ने लगे तो कोई तुम्हें सटने में भी घिन करेगा। कैसे? उसी
पूछे हो सब सब वो कमाल हो जनाब माइकोबैक्टीरियम लेप्री का आपके बॉडी के नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेगा, उस नर्वस सिस्टम को हैम्पर करके खत्म कर देगा। अब नर्वस सिस्टम ही रहा तो वो ऑर्गन डेड होगा तो सड़ेगा, और कई बार तो व्हाइट पैचेस ऑन स्किन भी आ जाता है। सुने होंगे शादी वादी के टाइम में अक्सर लोग को देखता है कि अगर किसी को व्हाइट स्किन पे व्हाइट स्पॉट हो तो सोचता भाई बच के रहे, ये बीमारी खतरनाक है। तो व्हाइट पैचेस ऑन स्किन एक्चुअली में दो तरह का होता है, एक होता है एल्बिनिज्म जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उसमें तो आदमी टपक ही जाएगा वैसे आदमी जिंदा ही रहेगा, वो कम्युनिकेबल होता है या जेनेटिक होता है, कम्युनिकेबल नहीं जेनेटिक होता है। और जो नॉर्मल व्हाइट पैच जो हम लोग देखते हैं वो जेनेटिक नहीं होता, वो जिसको हुआ उसी को हुआ, उसके परिवार में नहीं फैलता। बट पता नहीं कैसे कोई पढ़े लिखे समझदार आदमी ये अफवाह फैला दिए, तो लोग ये सब चीज बहुत मैटर करता है। हाँ 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 वो दूसरा चीज है, वो इससे रिलेटेड नहीं, कई बार इसमें भी देखने को मिल जाता, वो लेप्रोसी नहीं होता। तो लाइट कलर पैचेज ऑफ स्किन, थिकनिंग ऑफ नर्व रिजल्ट इन लॉस ऑफ, देखना नहीं सुन, थिकनिंग ऑफ नर्व रिजल्ट इन लॉस ऑफ सेंसेशन, इसका बैक्टीरिया में खासियत जो आपको शायद ग्रेजुएशन में पढ़ना हो, नीट निकल जाएगा तो नहीं पढ़ना, नहीं निकलेगा तो पढ़ना है, तुम सोच लो, नीट अगर निकल जाएगा तो मत लिखो, और लगता है कि नीट नहीं निकलेगा तो लिख लो, ग्रेजुएशन में काम आ जाएगा। ना ये जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो सिर्फ लिविंग मीडियम में जाता है, जिंदा लिविंग मीडियम के बाहर जिंदा नहीं रहता, मतलब जैसे एकदम वायरस की तरह। तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो सिर्फ लिविंग मीडियम में रहता है, लिविंग मीडियम के बाहर नहीं रहता। तो इट कैन ओनली बी कल्चर्ड इन एरमेडिलो, एक जानवर का नाम है, सिर्फ एरमेडिलो में ही ये कल्चर किया जा सकता है, उसके अलावा किसी और ऑर्गेनिज्म में तुम चाहो इसको स्टोर कर ले या कल्चर कर ले तो नहीं होगा, मर जाएगा, हमारे में डिजीज कॉज करता है और बाकी और कहीं भी नहीं मिलता सिवाय एरमेडिलो के। क्या है जानवर? तो नहीं तो सिर्फ एक ही ना, बाकी और किसी में नहीं, तो उसको डिजीज कॉज नहीं करता, उसमें स्टोर करता है, डिजीज भी कॉज करता है लेकिन स्टोर करते हैं उसमें, क्योंकि ऐसे अगर बाहर निकाल कर रखी तो मर जाएगा, तो उसमें रिसर्च वर्क के लिए उसी में स्टोर करके रखना पड़ता है। मारने के तो पूरे दुनिया को खत्म ही नहीं कर सकते, दुनिया में जितना भी माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, तो जरूरी है कि उसको स्टडी करें, उसका दवाई बनाए, उसका वैक्सीन बनाए, इसीलिए लेप्रोसी का इलाज नहीं था क्योंकि हम लोग उस पर स्टडी नहीं कर पा रहे थे, जैसे ही बाहर निकाले स्टडी करेंगे मर जाए, अब कैसे काम करता यही नहीं पता तो क्या इलाज करेंगे। अब हमको पता चल गया कि एरमेडिलो में होता है तो हम कर सकते हैं, अब इलाज कर सकते हैं दवा से, नाउ लेप्रोसी कैन बी ट्रीटेड। अगर लेप्रोसी हो जाए तो हम इलाज कर सकते हैं, जो ऑर्गन सड़ के खत्म हो गया उसको तो नहीं कर सकते, उसको फैले नहीं देगा रोग। तीसरी बार गया, चलो अगला, टेटनस इंपॉर्टेंट। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट लिखना था, किसमें? लेप्रोसी में पहुंचते बस। अगला टेटनस, इंपॉर्टेंट है, कॉज। अच्छा इसका एक और नाम है लॉक जॉ, ब्रैकेट में इसका एक और नाम लॉक जॉ, लॉक जॉ के जॉ। टेटनस अगर हो जाएगा तो आपका मुंह ही नहीं खुलेगा, यही जॉ हो जाता है। जॉ के मूवमेंट के लिए आपके बॉडी का एक नर्व ट्राइजेमिनल नर्व एक्ट करता है, और ट्राइजेमिनल नर्व को ही डैमेज कर देता है, तो आपका फिर जॉ में मूवमेंट ही नहीं होगा, तो आप खा भी नहीं पाओगे, टपक जाओगे, है ना? लॉक जॉ। कॉजेटिव एजेंट क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी,
क्लॉस्ट्रिडियम टिटैनी सिम्टम लेकिन इट अफेक्ट्स द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इट अफेक्ट्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन इट अफेक्ट्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन नेक्स्ट देखो अगला सिम्टम इरेटेबिलिटी मतलब क्या बोलोगे आप इरिटेशन होता है बहुत जबरदस्त वाला चिड सिम्टम हाँ सिम्टम्स इरिटेबिलिटी पेन स्टिफनेस इन नेक एंड जॉ मसल इरिटेबिलिटी पेन एंड स्टिफनेस इन नेक एंड जॉ मसल्स इरिटेबिलिटी पेन एंड स्टिफनेस इन नेक एंड जॉ मसल्स ठीक है अगला पॉइंट इट रिलीजेस न्यूरोटॉक्सिन इट रिलीजेस नहीं अगला पॉइंट लिखो सिम्टम सेट करो इट रिलीजेस न्यूरोटॉक्सिन दैट इज टेटानोस्पैज्मिन न्यूरोटॉक्सिन इट रिलीजेस न्यूरोटॉक्सिन दैट इज टेटानोस्पैज्मिन टेटानोस्पैज्मिन दैट इज टेटानोस्पैज्मिन हो गया स्पैज्मिन दैट इज टेटानोस्पैज्मिन लिखे नेक्स्ट पॉइंट ATS is used in preventive measure of tetanus. ATS, huh? ATS is used in preventive measure of tetanus. सुई होता है वो ATS होता है क्या? सुई होता है हाँ ATS. ATS का पूरा नाम लिखिए. एंटी टेटनस सीरम एंटी टेटनस सीरम एंटी टेटनस सीरम एंटी टेटनस सीरम देखे ये भी इंपॉर्टेंट था नेक्स्ट देखो न्यूमोनिया ये भी इंपॉर्टेंट है हो गया क्या हाँ वो हो गया आज के लिए ना ना अभी आज के लिए अभी तो बोला था कि पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे आप बोल रहे आज के लिए हो गया क्या बोले न्यूमोनिया आप स्पेलिंग को लिख सकते हो पी एन ई यू एम ओ एन ए आज के बाद डिजीज वाले पार्ट का नोट्स भेजेंगे घर से लिख के आइए हम सीधा समझाएंगे सही रहेगा सही रहेगा डिजीज वाला पार्ट सर बाकी तो लिखना नहीं सब डिजीज ही है नहीं सब डिजीज नहीं देखिए कॉजेटिव एजेंट इंपॉर्टेंट है तीन नाम से जानते हैं इसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर डिप्लोकोकस निमोनिया या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा ये अभी अभी आया था ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में याद आ रहा है बिल्कुल कॉजेटिव एजेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया
स्ट्रेप्टोकोकस STREPTOSTREPTOCOCUS निमोनिया तो लिख रहे हैं या इसका एक और नाम है डिप्लोकोकस निमोनी। या इसी को एक और नाम से जानते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी HAEMOPHILUS हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी हाँ इसी को तीन नाम से जानते हैं। निमोनिया को कॉज करने वाले बैक्टीरिया को तीन नाम से जानते हैं हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी INFLUENZAE। सिम्टम इन्फेक्ट्स द पार्ट ऑफ एल्वियोली डिप्लोकोकस निमोनी। सिम्टम इन्फेक्ट्स द पार्ट ऑफ एल्वियोली कॉमन है डिपोजिशन ऑफ कफ deposition of cuff and and fever along with chill, fever along with chill मतलब fever मतलब क्या body temperature का rise होना, along with chill मतलब क्या बुखार होगा सबसे ठंडी भी लगेगा अगर शरीर गर्म होगा और लगेगा ठंडा होता है ना फीवर हुआ तो लोग सोचते हैं तो कमरे से बढ़ रहा ठंडा क्या लग रहा है लगे सामने वाला बोलेगा यार बहुत ठंडा लग रहा है कम्बल उड़ा रजाई उड़ा ये उड़ा वो उड़ा क्या इन्फेक्ट द पार्ट ऑफ एल्वियोली डिपोजिशन ऑफ कफ एंड फीवर अलोंग विद चिल मिला ये मस्ती वाला चिल नहीं चलो चिल करते हैं ये चिल मतलब चिलचिला देगा इतना ठंडा लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट चाइल्ड डिजीज बट मे ऑल्सो अफेक्ट एडल्ट निमोनिया अक्सर बच्चों में होता है बट तो ये अगर ज्यादा बाउंड भी बनेगा तो एडल्ट में भी हो सकता है। इट इज अ चाइल्ड डिजीज बट कैन ऑल्सो इन्फेक्ट एडल्ट हो गया। नेक्स्ट पर्सन फील्स हाइपोक्सिया हाइपोक्सिया मीन्स नेक्स्ट पॉइंट पर्सन फील्स हाइपोक्सिया ये हाइपोक्सिया कोविड में भी मिल रहा था हाइपोक्सिया मतलब डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन हाइपोक्सिया मीन्स डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन लिख लीजिए बोल दे पांच मिनट के अंदर छोड़ दे हाइपोक्सिया HYPOXIA हाइपोक्सिया पर्सन फील्स हाइपोक्सिया ब्रैकेट में लो डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन हाइपोक्सिया मीन्स डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन ठीक है। नेक्स्ट डिप्थेरिया अगला बीमारी डिप्थेरिया DIPTHERIA डिप्थेरिया ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इसको ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कॉजेटिव एजेंट इसे पढ़ के छोड़ देंगे लिखिए कॉजेटिव एजेंट कोरोनी बैक्टेरियम डिप्थेरी कोरोनी बैक्टेरियम CORONYBACTERIUM कोरोनी बैक्टेरियम डिप्थेरी नाम है क्यों हो गया नहीं बाकी लोग अभी भी रो रहे हैं मन में रो रहे थे कोरोनी बैक्टीरियम कितना छोड़ा था स्पेलिंग डिप्थेरी डिप्थेरिया का स्पेलिंग बोलो DIPTHERIA डिप्थेरी हाँ ठीक है दो पॉइंट लिख लो।
चाइल्ड डिजीज, अगला पॉइंट चाइल्ड डिजीज बच्चे में होता है, और उससे अगला पॉइंट होर्सनेस ऑफ वॉइस इज सीन, होर्सनेस ऑफ वॉइस इज सीन, हाँ गला कुछ ज्यादा ही भारी आवाज में फट जाएगा, छोटा सा बच्चा भी में करके बोलेगा होर्सनेस, एच ओ ए आर एस ई, हॉर्स मतलब घोड़ा वाला हॉर्स नहीं, होर्स एच ओ ए आर एस ई, होर्सनेस ऑफ वॉइस इज सीन, वॉइस इज सीन, तो चाहती है कैसे रहे रिचा भी नहीं वो पता, अच्छा नहीं बोली थी ये भी बोली थी, ये भी बोली थी, ये नहीं बोली थी, संडी खेरी ना संडी खेरी लिखी है ये भी टी एच ना टी हो वाला, हाँ टी एच हो वाला खेरी, अगला है वूपिंग कफ, वूपिंग हाँ डब्ल्यू एच डबल ओ पी आई एन जी, डब्ल्यू एच डबल ओ पी आई एन जी वूपिंग कफ, इसी का एक और नाम है पर्ट्यूसिस, पी आर टी यू एस आई एस, पी आर टी यू एस आई एस, गल घोटू का नाम सुना हो, गल घोटू सुने क्या बात, गल घोटू बीमारी का नाम है, पर्ट्यूसिस पी आर टी यू एस आई एस, इसमें क्या होता है ना कि जबरदस्त वाली ये भी बच्चे में ही होता है, जबरदस्त खांसी होता है और ऐसा खांसी की गला ही चोक कर जाए, बच्चा सांस नहीं ले पाएगा और फाइनली दम फूल जाएगा, मुंह लाल लाल हो जाएगा और मर जाएगा, सही नहीं होगा वो, बीमारी हो गया तो ऑलमोस्ट हो गया तो, हाँ डीपीटी का नाम याद आया, डिप्थेरिया पर्टिसिस और टेटनस, कुछ खतरनाक होगा तभी तो उसका वैक्सीन बना के रखे हुए हैं, बुझाई जो यार थोड़ा थोड़ा पूरा पूरा, वूपिंग कफ को ही बोलते हैं, ठीक है देखिए कॉजेटिव एजेंट बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, अभी एक घंटा और पढ़ा देना दो तीन आदमी बेहोश हो जाएगा हमको लग रहा है, नहीं मजा आ रहा क्या क्या खोल रहे क्लिनिक, अच्छा इसको डॉक्टर वाला पूरा ज्यादा ही फील आ गया, क्लिनिक ही खोल देंगे सीधा, जो पढ़ा रहे उसको अच्छा मतलब बीमारी में रियल रियल लाइफ नहीं, अगर सामने से कोई आया जिसको कुछ अलग तरह का सिम्टम है भाई, तो बात तुम्हारा जो बीमारी है वो भी नहीं पड़े लिस्ट बात चुका करेंगे, फलाना 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 बीमारी वाले रोगी संपर्क कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और बीमारी का गेट आउट बाहर से, ये सही है आपके साथ में क्या बीमारी, हाँ हम लोग को बोल रहे लिस्ट लगा कर खोलना तेरे को क्लिनिक है, हमको कहला क्लिनिक खोलना, हम तो बुलाएंगे तो उसमें और इलाज कर पैसा भी नहीं देंगे, बहुत साल से जा रहे हैं ये सब बीमारी, तो इसका मतलब क्या किसी से भागते चले हैं आप, क्या किसी से भागते चले हैं, भागते चले ऐसा सिम्टम किसी को मिला तो नहीं, एक्चुअली इतना आसान नहीं है, प्रैक्टिकल और थ्योरी में बहुत डिफरेंस होता है, तुम लोगों को मिलवाया कि नहीं हम कभी अपने दोस्तों से, मिला था इलेवेंथ वाला दो बार मिल गया, तुम लोग के जाते के साथ हुआ आया था आपको याद आ गया, हाँ पहचान ली थी वो, तुम थे अच्छा मिला, अगली बार फिर मिलवा देंगे, चलो नोट 2000 का नोट है इंपॉर्टेंट नोट, डीपीटी पूरा नाम खुद से लिखोगे, इज अ ट्रिपल वैक्सीन, डीपीटी ब्रैकेट में पूरा नाम इज अ ट्रिपल वैक्सीन, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, डिप्थेरिया पर्ट्यूसिस टेटनस, डीपीटी इज अ ट्रिपल वैक्सीन, नेक्स्ट पॉइंट मस्ट गिवन टू अ चाइल्ड,
विद इन सिक्स वीक्स, नहीं ब्रैकेट में अगला पॉइंट, मस्ट गिवन टू अ चाइल्ड विद इन सिक्स वीक्स, जन्म के छह महीने के अंदर इसको घुसना चाहिए, मस्ट गिवन टू अ चाइल्ड विद इन सिक्स वीक्स। अगला फोर कोलेरा, डेढ़ महीने के अंदर, छह महीने सप्ताह, हाँ डेढ़ महीना के अंदर। कॉलरा, अगला बीमारी नहीं नहीं कॉलरा अगला बीमारी सी एच ओ एल आर, क्या पूछ रहे हो? अभी तो वायरल बचा हुआ है, प्रोटोजोन बचा हुआ है, ये तो बैक्टीरिया ही चल रहा है। आज छोड़ देता हूँ, चलो नहीं हम थके नहीं है, अगर हम थके होते ना तो माइक लेके आता फिर बोलते, तीन घंटा क्लास हो लेते मिनिमम, क्या ही थके। खैर हम कोशिश करेंगे 31st से पहले आपका एक पेपर तो हटा ही देना, फिजिक्स या बायोलॉजी में से, जिसे बायोलॉजी पकड़ लिया ना तो बायोलॉजी 31st में हटा ही देना, ठीक है 31st दिसंबर। वचन ही क्या है, सिर्फ यही तो है मेन, बायोटेक का लेक्चर जा रहा है, लाइव ज्वाइन करना तुम देख लो लेक्चर, कल परसों में लाइव ज्वाइन ले लेंगे अगला क्लास, ऐसे ही डेली पढ़ाई 2 घंटे बस आप पाएंगे, कोई बात नहीं, हम लोग तो टाइम नहीं ना, नहीं तो के पास तो है तो बात बराबर ही, मार्च में होगा शायद, और वैसे भी मे बी 31st के बाद हमको लगातार टाइम नहीं मिले, लगातार नहीं मिले बट लगातार इंश्योरेंस की 6:30 बजे नहीं मिले, क्लास तो डेली ही होगा बट 6:30 बजे तक नहीं मिले, आप चेंज करते रहिए, हाँ तो एक क्लास तो आराम से हो जाए। चलिए ठीक है, दिस इज ऑल फॉर टुडे।